जय माता दी। मित्रों, सभी साथियों का नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ राहु के बारे में। राहु जो आदमी को कंगाल भी बना सकता है और राजा भी बना सकता है। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज है जिससे पता चल जाता है कि राहु किसी का बहुत अच्छा है तो बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है, और राहु अगर बहुत खराब है तो वो कंगाल भी बना देता है। आखिरकार राहु के कारण क्या क्या चीजें होती हैं और राहु के क्या क्या उपाय हैं। अगर हम अपनी कुंडली में ये जान लें कि मेरा राहु कैसा है और उसका मुझे क्या उपाय करना है, तो बहुत हद तक हर कोई संभल सकता है। कुंडली के अंदर अगर आप अपने राहु के पोजीशन को देखें और अपने लाइफ के अंदर होने वाली चीजों को देखें और मिलान करें, तो पता चल जाएगा कि राहु मेरा कैसा है, राहु मेरा अच्छा है या राहु मेरा बुरा है। अगर राहु आपका अच्छा है तो आपको वो अच्छा फल देगा, अगर राहु बुरा है तो वो अपने काल में जब उसकी दशांतर दशा आएगी तो बहुत गंभीर परिणाम देता है, प्रतिकूल स्थिति बना देता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आदमी आ जाता है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि राहु जो है वो मेरा खराब है। मित्रों, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु का अपना कोई गुणधर्म नहीं है। वो जिसके साथ बैठेगा, जिस राशि में राहु की स्थिति रहती है, 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में जिस किसी भी राशि में राहु जिस समय गोचर करता है वो उसके गुण ले लेता है। अब बात ये आती है कि राहु कहां पर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। राहु परिस्थिति वश जो होता है वो परिणाम देता है, परिस्थिति वश, अपना परिणाम कुछ होता नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। जहां बैठा, जिसके साथ बैठा, जिसकी राशि में बैठा, जिसके साथ बैठा उसका फल देने लगता है। और राहु के बारे में ये है कि राहु के जो शत्रु हैं, हर नवग्रह में एक दूसरे में शत्रुता, मित्रता और समता चलती है। तो राहु के जो शत्रु हैं वो हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। ये जो तीन है ये शत्रु हैं, बृहस्पति सम है। अब कहा जाता है कि राहु कंट्रोल किससे होगा। राहु हमेशा आपकी कुंडली के अंदर जो, अगर इनके जो शत्रु हैं यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, तो सूर्य राजा है, लेकिन चंद्रमा और मंगल अगर आपकी कुंडली में सशक्त है, स्ट्रांग है, तब राहु आपका कंट्रोल में रहता है। यानी कि राहु के जो विपरीत परिणाम है, जो नेगेटिव परिणाम है, वो कम आएंगे। अब राहु अगर किसी भी तरीके से बाधित है, राहु के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई समस्या है, चाहे राहु नीच का है, चाहे राहु आपका शत्रु के साथ है, शत्रु की राशि में है, या फिर पुरुष राशि में है। राहु अगर पुरुष राशि में अगर रहे, यानी कि पुरुष राशि हम कैसे पता करेंगे, तो एक से लेकर के 12 राशियां हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये जो राशि नंबर मैंने आपको बतलाया ये पुरुष राशि है। तो इस पुरुष राशि में राहु जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, जबकि स्त्री राशि में राहु अच्छे परिणाम देता है। दूसरी बात, राहु अगर मित्र के घर में है तो भी वो अच्छा परिणाम देगा। यानी कि अगर वो 11 नंबर में भी है या 7 नंबर में भी है, तो चूंकि शुक्र और शनि का वो घर है तो वो अच्छे परिणाम देता है। अब हम देखते हैं कि राहु को हम कुंडली छोड़ देते हैं, हमें कुंडली में कुछ नहीं देखना। हम दैनिक जीवन में अगर हम ये देखें कि किस परिस्थिति वश क्या चीजें हो रही हैं, उसका कारक क्या है। अगर आपको किसी को भी अगर आलस ज्यादा आ रहा है, आलस अगर ज्यादा आ रहा है, तो ये भी राहु का ही परिणाम है। कि राहु क्या करता है, वो आलसी बनाता है, एक मलेच्छ ग्रह है, तो वो हमेशा गड्ढे में ही धकेलना चाहता है। अगर आपका बुरा है तो सीधी सी बात है, मैंने पहले बतलाया कि कुंडली के अंदर अगर राहु खराब है या अच्छा है ये देखना पड़ेगा। तो राहु कब अच्छा रहेगा, जब वो अपने मित्र के घर में है। अगर शत्रु के घर में है तो वो खराब करेगा, या फिर किसी मित्र के साथ है। अगर राहु मंगल के साथ है तो मंगल का वो गुण ले लेगा, और मंगल का जो गुण है वो कैसा है आप जानते हैं कि मंगल बड़ा तामसी है, आग का गोला है, तो राहु के अंदर में भी वो गुण आ जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आपका लग्न क्या है। अगर मंगल आपके लिए अच्छा फल देने वाला है तो राहु भी फल अच्छा फल देने लगेगा। वर्तमान में आपने देखा कि राहु और बृहस्पति अभी मंगल की राशि में है, जो 30 अक्टूबर के बाद गोचर चेंज हो जाएगा। तो राहु अभी मंगल की राशि में है और मंगल वाला ही फल दिए हुए हैं सभी राशि वालों को। तो जिससे कि अभी राहु के बारे में हम कह सकते हैं कि अभी जो
फल जो है उसका वो अच्छा नहीं है। अब बात आती है कि खराब अगर आपका राहु है तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला, आलस आएगा, हर चीज आप देर से करेंगे, समय पर आप नहीं कर पाएंगे, आपके काम में रुकावट आएगी, अचानक कोई भारी नुकसान हो जाएगा, आपके घर से दूरी बढ़ जाएगी, आप अपने जहां पे आप रहते हैं वहां से आप दूर चले जाएंगे, जिंदगी में उठा पटक अधिक होगी, कभी आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, कभी अचानक नीचे गिर जाएंगे, बिजनेस में कभी बहुत फायदा हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा, सही निर्णय लेने की क्षमता जो होगी वो गड़बड़ा जाएगी, यानी कि आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। ग्रहों का सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि वो आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देते हैं। सभी ग्रह, राहु तो राहु, शनि और राहु का तो है ही कि वो सबसे पहले मति हरण कर लेते हैं। शनि और राहु को जब दुख देना होता है तो सबसे पहले उसकी मति हरण कर लेते हैं और उसका डिसीजन गलत दिलवा देते हैं। गलत डिसीजन के बाद फिर हर तरह से संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और एक चीज और है कि आक्रामक बना देता है राहु, अगर खराब है तो वो आपको आक्रामक भी बना देगा, यानी कि आपको कोई ढंग से बात कर रहा है तब भी आप उसके साथ आक्रामक रूप से पेश आते हैं। तो ये सारी बातें जो है, अगर ये ऐसी चीजें हैं कि जब विपरीत दशा चलती है, जब कभी दशा अंतर दशा में राहु की अंतर दशा या प्रत्यंतर जब चलती है तो अपने सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं, उनके साथ भी अच्छा संबंध नहीं रह पाता। और सबसे बड़ी बात कि राहु में, जब राहु की अगर दशा में अंतर दशा आ जाए तो स्वास्थ्य संबंधित पूरी तरीके से बिगाड़ देता है, आपको हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है, जब अगर राहु की महादशा में राहु की अंतर दशा भी आए और साथ ही साथ आपका राहु बिगड़ा हुआ है कुंडली के अंदर। अब ये बातें हो जाती हैं कि राहु अगर हमारा खराब है, हमें पता चल गया कि हमारे साथ ये सारी बातें हो रही हैं, तो और क्या होगा। अब आपके बारे में राहु जान जाता है सब कुछ, राहु क्या करता है आपके बारे में जान जाता है, और आपको हमेशा एक होता है पॉजिटिव इंड, एक होता है नेगेटिव इंड, नेगेटिव इंड की तरफ वो ले जाना शुरू कर देता है, यानी कि कुंडली के अंदर राहु बिगड़ा हुआ है तो वो आपको हमेशा प्रतिकूल फल देने की स्थिति में आ जाता है। राहु हर हाल में अगर आपका बिगड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि दशा अंतर दशा विपरीत चल रही है, उसके बाद जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है वो भी वीक है, साढ़े साथी चल रही है या फिर अढ़िया चल रही है, इन सारी बातों के साथ अगर राहु का भी मिश्रण हो जाए तो परिस्थिति भयावह हो जाती है। मित्रों, राहु और केतु का जो कैसे उनका जो पौराणिक कथा है वो किसी एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, बस इतना बतलाता हूं कि राहु जो है वो स्वरभानु राक्षस था, उसका सिर है और सिर में आंखें भी हैं, कान भी है और मुंह भी है और ब्रेन भी है, यानी कि आंखें कान मुंह और ब्रेन सब पे ये कब्जा कर लेता है, यानी कि आप सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। विद्यार्थियों में अगर राहु ऐसा कमजोर हो जाए तो क्लास में वो सुनेंगे जरूर लेकिन समझ नहीं पाएंगे, बोलने में ऐसा बोलेंगे कि लड़ाई ही हो जाएगी और सोचने में ऐसा सोचेंगे जिससे प्रतिकूल परिणाम आएगा, यानी कि कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बतलाई कि अगर आपकी कुंडली में अगर राहु का किसी भी प्रकार का नेगेटिव फल देने वाला है या फिर इस तरीके की बातों से आप भी परेशान हैं तो आपको राहु का जरूर उपाय करना चाहिए। राहु का उपाय बहुत साधारण उपाय है, राहु के लिए बहुत ज्यादा आपको बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े रत्न पहनने की भी आवश्यकता नहीं है, बस छोटा छोटा अगर आप उपाय करते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन उपायों से जो राहु का जो नेगेटिव फल है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और साधारण सी बात है कि अगर हम कोई हमारा अहित कर रहा हो लेकिन अगर हम उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं तो फिर उसके मन में ये भावना आ जाएगी कि इसका अब अहित नहीं करना है। तो राहु का एक जो तांत्रिक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर कोई 108 बार रोज जाप करे और लगातार कंटिन्यूटी में करता रह जाए तो राहु का जो असर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा।
राहु कवच जो हर कोई नहीं कर पाएगा, संस्कृत में है, काफी बड़ा है, लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि मेरे ऊपर में राहु की दशा है और राहु कवच अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं से अगर आपको उपलब्ध हो जाए, नहीं उपलब्ध हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो राहु कवच आप पाठ करें, राहु कवच और राहु का तांत्रिक मंत्र, ये दो पूजा हो गई। और कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन उपायों के करने से राहु अच्छे से शांत हो जाते हैं और जो नेगेटिव फल देने वाला होता है वो सारा का सारा जो होता है वो फल खत्म हो जाता है, जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी आएगी वो सारी खत्म हो जाएगी। एक उपाय है ये कि बहते पानी में, ये लाल किताब उपाय मैं बतला रहा हूँ, लाल किताब उपाय भी बहुत प्रभावी होते हैं ज्योतिष के मामले में। ज्योतिष के मामले में एक लाल किताब है, लाल किताब के अंदर ग्रहों के बारे में बताया गया कि कौन सा प्लेनेट कहाँ रहेगा तो क्या फल देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बातें मिलती हैं लाल किताब से। और लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो पहला उपाय मैं बतला रहा हूँ कि चार नारियल को अगर किसी शनिवार को बहते पानी में राहु का स्मरण करते हुए अगर बहा दिया जाए, एक ही बार करना है बस। और दूसरा उपाय ये है कि शरीर पर आपको चांदी धारण कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले भी बतलाया कि चंद्रमा और मंगल अगर बलवान हैं तो राहु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी का जो भी आप ओम नमः शिवाय का या फिर महामृत्युंजय जाप कुछ भी आप करें, और साथ ही साथ शरीर पर चांदी का या तो आप अंगूठी पहन लें या फिर चंद्रमा का आप कोई भी किसी भी तरह से आपको शरीर पर चंद्रमा का कोई लॉकेट पहन सकते हैं या चंद्रमा की कोई चैन पहन सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए अगर चांदी का अगर कोई भी चीज आप धारण करते हैं तो इससे आपको राहु का जो विपरीत परिणाम है वो कम हो जाएगा और आपको उससे काफी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो भी कुछ हम देखते हैं कुंडली के अंदर में हमेशा अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम तभी आता है जब कुंडली के अंदर में भी हर तरह से आपका अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा। कुंडली के अंदर में जब दशा अंदर दशा और भी जो भी चीजें आती हैं प्रत्यंतर और कुंडली के गोचर की स्थिति, लग्न कुंडली की स्थिति, इन सारी चीजों में जब सब कुछ अच्छा होता है तो आपके साथ अच्छा होता है, इन सारी चीजों में अगर आपके साथ बुरा चल रहा होता है तब आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो बुरा प्रभाव को कम करने के लिए इन उपायों के करने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर हमें ये लगे कि इन करने से क्या होगा, ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं उन उपायों में एक चीज तो है कि किसी न किसी जीव को संतुष्ट करना होता है। अगर हमने कोई भी चीज ऐसा किया, जैसे कि एक साधारण सा उपाय है राहु के लिए भी है कि आप रोटी में, शनि के लिए भी है कि रोटी अगर आप काले कुत्ते को खिला दें, कौओं को खिला दें, ये सारा उपाय है। इन सभी उपायों से बस एक चीज निकल के आती है कि कोई ना कोई जीव अगर संतुष्ट हुआ तो उसके दिल से जो ब्लेसिंग निकलेगी वो आप तक पहुंचेगी और वो फिर आपको फायदा देगी। तो इस तरीके से राहु अगर किसी का भी खराब है तो चार बातें कर सकते हैं आप, राहु का जो तांत्रिक मंत्र है वो कर सकते हैं, राहु का कवच कर सकते हैं, चंद्रमा को बलवान करने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं और आप चांदी शरीर पर धारण कर सकते हैं, चार नारियल को बहते पानी में शनिवार के दिन आप प्रवाहित कर सकते हैं और कौओं को और कुत्तों को रोटी में मीठी रोटी या किसी भी प्रकार से ऐसा करके खिलाएं कि वो खा पाएं। अगर वो खा लेते हैं तो आपके ऊपर से जो भी ये ग्रह के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके से राहु की वजह से हर कोई परेशान है, राहु एक छाया ग्रह है और राहु जिस राशि में रहता है, हाँ उन लोगों के लिए कोई कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी जिनका राहु पहले से ही अगर स्ट्रांग है, राहु स्त्री राशि में है या राहु बुध के साथ है या राहु शनि के साथ है या फिर राहु मित्र के घर में है या राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तब किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो मित्रों इस तरीके से आप ये अगर उपाय करके देंगे, और बहुत साधारण सा उपाय है, अगर किसी के ऊपर में अगर अभी दशा अंदर दशा में राहु चल रहा हो, राहु की वजह से ज्यादा परेशानी आ रही हो तो निश्चित रूप से ये उपाय करें। वैसे भी 30 अक्टूबर के बाद राहु के गोचर बदलने के बाद काफी लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज इस बार निश्चित रूप से आप लोग वीडियो जब देखें
तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन और जो बेल बटन है उसको भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।